हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर। इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, अभी यहाँ हाफ कप के करीब। इसमें से थोड़ा हम यहाँ डाल के पनीर को इससे चारों तरफ से लगा लेंगे। पहले हम पनीर को सेलो फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे पनीर को हमें कॉर्नफ्लोर में लगा लेना है। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, एक एक कर हम इन्हें डालते जाएंगे। इसमें गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। सारे पनीर को हमने कॉर्नफ्लोर में, पनीर थोड़ा गीला होता है इसलिए सूखा ही अच्छे से लग जाता है। सारे पनीर को पलट लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा रेड नहीं करना है। पनीर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अभी पहले यहाँ हम इसमें अदरक डालेंगे। ऑयल गर्म है, अदरक को मैंने काट लिया था हल्का सा। इसी के साथ दो हरी मिर्च काटी हुई है, इसको डाल लेंगे। गैस को हमें मीडियम ही फ्लेम पर रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें बनाना है। अब यहाँ हम कैप्सिकम काटी हुई है मैंने, उसको डाल देंगे अच्छे से, इन्हें फ्राई कर लेंगे। पांच मिनट हमें इन्हें अच्छे से चलाना है। अभी यहाँ पनीर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस लिया है, इसको डाल दें। वन स्पून के करीब ग्रीन चिली सॉस, वन स्पून के करीब सोया सॉस डालेंगे। वन स्पून विनेगर, हाफ स्पून के करीब नमक, अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। थोड़ा सा अजीनोमोटो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी यहाँ हरे धनिये की पत्तियां मैंने काट ली,
इसको डाल लेंगे। काली मिर्च हाफ स्पून के करीब, नहीं चिली फ्लेक्स और काली मिर्च हाफ स्पून के करीब थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे। अभी जो हमारा कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था थोड़ा सा, इसमें पानी मिलाएंगे। पानी मिलाकर इसको तब तक चलाएंगे जब तक इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। कॉर्नफ्लोर को भी इसमें ऐड कर देंगे और चलाएंगे। इस तरह से चिली पनीर चिली, इस तरह से जब चिली पनीर बनाएंगे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ओनली 5 मिनट हमें इसे रखना है। हमारा चिली पनीर तैयार हो गया है। यहाँ मैंने प्याज का यूज नहीं किया है, आप चाहे तो प्याज का यूज कर सकते हो। प्याज को लंबा लंबा काट कर, जब मैंने अदरक डाला था जैसे शुरू में ही, आप अदरक और पहले प्याज को भूनकर अदरक को डालकर इस तरह से उसका यूज कर सकते हो। हमारा चिली पनीर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से चिली पनीर बनाइए और मज़े से खाइए। काफ़ी अच्छी टेस्टी खुशबू आ रही है, ये नूडल्स के साथ खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी मेहनत आपको सही लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नई वीडियो में।